काफी लो हेल्थ की बियर 11 के लिए मुश्किल हो जाएगी। अलादीन वर्सेस बियर 11 फाइट रहेगी राइट एंड साइड पर, लेकिन पीछे से यूरेली लेकर जाते हैं बियर 11 को। क्या इंडियन टीम इसके खेल को ले पाएंगे? यहाँ पर यूरेली को अपना खेल मिलता हुआ, लेकिन अभी भी आईएनडी काफी अच्छी फाइट ले रही है। G9 के लिए मुश्किल हो सकती है, सर्कल का डैमेज भी उनको हल्का सा पड़ रहा है, अपना खेल किसी को नहीं देना चाहेंगे। बट स्टिल ही गोज डाउन बाय सिनर्जी श्राइडर इन दिस फाइट। चार टीमें 13 लोग जीवित और इसके अंदर बहुत सारी इंडियन टीम दिख रही है, सारी की सारी ऑलमोस्ट इंडियन टीम्स ही है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टीम आईएनडी, यहाँ पे सिर्फ आरआरक्यू का G9 इकलौता ऐसा प्लेयर है जो यू कैन से वो भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑरेंज रॉक के वीरू है, गिल है यहाँ पे, और टीम स्टेटस की हम लोग बात करें सिनर्जी ऑरेंज रॉक टीम आईएनडी नोवा गॉड लाइक सारी की सारी यहाँ पे इंडियन टीम्स है। वेम्पायर यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऑरेंज रॉक के वीरू प्रोन जरूर है, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड से उनको गोलियां पड़ेंगे बिकॉज नोवा गॉड लाइक के प्लेयर एक हायर रिच से उनको शॉट डाउन करेंगे। गिल अकेले बचे अपनी टीम के बनने वाली फाइट, नोवा गॉड लाइक अपने निकालने की कोशिश करें बिकॉज सामने टीम एक अच्छी पोजीशन में जरूर है, बट यहाँ पे उनके पास एक सर्कल बनता हुआ, एक सर्कल मतलब एक चिकन डिनर उनके सामने एक पॉसिबिलिटी है। बट टीम नंबर 17 को दिक्कत हो सकती है, टीम आईएनडी को जोन में आना है, गिल को स्पॉट जरूर कर रहा है, बट उनके पास एक बर्स्ट व्हीकल का कवर है। अब बर्स्ट व्हीकल ओके, एक फ्रेश व्हीकल है, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू द सर्कल वो कर सकते हैं, बट एक चीज पॉसिबल जरूर है, नोवा गॉड लाइक इस वाले मैच में 80% मैं बोलूंगा जो जोन शिफ्ट हुआ उनके ऊपर चिकन डिनर निकाल चुकी है। वर्ल्ड लीग में साउथ एशिया डोमिनेशन इस तरीके से देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जिस तरीके से इंडियन टीम्स यहां पर निकल कर आ रही है, नोवा गॉड लाइक काफी अच्छा एरिया संभाल चुके हैं, सीर भी थोड़ा सा ऊपर है, वो ग्रेनेड करना चाहते हैं थ्रोएबल्स, बट देन ग्रेनेड आगे की तरफ को जा ही रहा है, बट ग्रेनेड ज्यादा आगे नहीं जा पाया। सिनर्जी का स्क्वाड तैयार है, आईएनडी के तीनों प्लेयर्स तैयार है, क्रेटोस को खोया था बट देन उस चीज का कोई मलाल नहीं रहेगा इनको। दो किल्स है, नंबर जरूर बढ़ाना चाहिए। किल्स के मामले में भी ऑरेंज रॉक काफी अच्छे किल्स लेकर बैठी हुई है, डबल डिजिट उनके किल्स पहुंच चुके हैं, बट सामने उनके नोवा गॉड लाइक सामने आईएनडी रहेगी, सामने उनके बाकी टीम्स तैयार रहेंगे सिनर्जी एज वेल। बट एक चीज यहां पे सिनर्जी जरूर ट्राई करेगी ग्रेनेड से एक नॉक निकाले, बट राइट साइड से जाते तो नोवा गॉड लाइक के प्लेयर एडवांटेज उठा सकते बिकॉज उनके पास हाई रेंज रहेगा, उसके चलते अलादीन क्या यहां पे नॉक डाउन हो सके, उसके चलते गिल वो वाला किल अपने नाम करेंगे, एंड एग्जैक्टली गिल वो किल कंफर्म करेंगे। यहाँ पे राइट साइड से स्लेयर भी आ रहा है, क्या वाला किल निकाल सकते, बट नहीं, गिल यहाँ पे प्ले जोन से अपनी यहाँ पे 100 एचपी जो थी वो पूरी कंफर्म कराएंगे। बट यहाँ पे तीन टीमें जिंदा हैं, वो तीनों की तीनों टीम वापस में बोलना चाहूंगा टीम इंडियन टीम्स हैं, एंड उसी के साथ यहाँ पे नोवा गॉड लाइक का स्क्वाड थ्री मैन स्क्वाड जिंदा है, टीम सिनर्जी है, टीम आईएनडी कौन सी इकलौती ऐसी टीम है जो इस लेजेंडरी मैच को अपने को एज अ विक्टोरियस टीम देखे। बट यहाँ पे क्रॉन्टन को नॉकडाउन करें, क्या फिनिश की पॉसिबिलिटी रहेगी? ग्रेनेड वहां पर जरूर फेंका था पॉसिबली, वहां पे वो नोवा गॉड लाइक नोवा के जो क्रॉन्टन है वो पूरा फिनिश, बट यहाँ पे स्लेयर के पास एक ग्रेनेड आया था जरूर, बट वो वहां पे डॉज डाउन कर जाएंगे। स्लेयर ग्रेनेड ऊपर फेंकना चाहते हैं, बाउंस करके वापस उनके पास आ गया, वो एक थोड़ी सी दिक्कत हुई। आप यहाँ पर कोई भी चीज बोलिए, कोई भी टीम जीतेगी, एट द एंड इंडिया जीत रहा है इस पूरी फाइट के अंदर। सिनर्जी ऊपर है, आईएनडी नीचे, नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स रहेंगे, सर्कल अगला शिफ्ट लेने वाला है, बट सारी टीम्स तैयार है, दे आर मोर देन कॉन्फिडेंट राइट नाउ। अपने लिए ये गेम सिनर्जी निकाल सकते हैं, अपने लिए नोवा गॉड लाइक निकाल सकते हैं, अपने लिए आईएनडी भी निकाल सकती है। बिल्कुल, एंड ये वाली जो फाइट है यहाँ पे कोई भी खेले कोई भी जीते, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे इंडिया जीतने वाला बिकॉज जो परफॉर्मेंस यहाँ पे ये सारी टीम्स की रही है, हैशटैग अपने लिए एक बार और उसके साथ एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए बिकॉज ये टीम यहाँ पे सारी सारी अपनी टीम्स है। बिकॉज नोवा गॉड लाइक की बात करें, टीम सिनर्जी की बात करें, टीम आईएनडी की, ये सारी सारी टीम यहाँ पे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडियन रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रही है और साउथ एशिया की यहाँ पे शान आगे बढ़ाएगी। बट एक चीज यहाँ पे जरूरी, टीम आईएनडी यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, सामने 7 प्लेयर्स हैं टोटल, 2 टीमें जिंदा है, कौन सी टीम निकाल के जाएगी? पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिनर्जी की ज्यादा बिकॉज मैन पावर ज्यादा उनके पास, बट 3-4 क्लच भी यहाँ पे देखने को मिले, 1-4 भी क्लच देखने को मिले, बट यहाँ पे एक अंडर टॉस, एक लो टॉस ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या स्मोकी वहाँ पे नॉकडाउन हो सकता है? बट यहाँ पे 8वां जोन है, 20 सेकंड से बचे हैं यहाँ पे 9वें जोन के बाद, यहाँ पे क्या हील बैटल देखने को मिल सकता है पॉसिबली बिकॉज एक हाई टेरेन है और कोई भी प्लेयर यहाँ पे रिस्क नहीं करेगा, बट अभी वाला ग्रेनेड डैमेज देकर जाएगा टेड को, टेड यहाँ पे नॉकडाउन निकाल चुके हैं क्रॉन्टन को वापस से, क्रॉन्टन पहले नॉक हुए थे 1 HP में, उनको रिवाइव जरूर मिला था, बट यहाँ पे वेम्पायर नॉकडाउन हो सकते हैं बिकॉज सीर भी का एक मॉलोटोव यहाँ पे आता है, क्या वो फिनिश हो सकते हैं? बट नहीं, वहां पे जो एक डायमीटर रहता है वहां पे उसके बाहर रहेंगे, क्रॉन्टन को रिवाइव अभी भी नहीं दे रहे, वेम्पायर ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर जो प्लेयर नीचे गिरेंगे उनको नॉकडाउन करें सबसे पहले बिकॉज रिवाइवल की प्रोसेस में यहाँ पे शायद वो नॉकडाउन हो सकते हैं, बट यहाँ पे वेम्पायर ने एक बहुत बढ़िया नॉक निकाला है सीर के नाम पे। अब क्या पता अब सिनर्जी का स्क्वाड अब काउंटर दे सकता है बिकॉज एक नॉक भले निकल गया बट यू कैन गो योलो ओवर हियर, एंड योलो के साथ यहाँ पे वेम्पायर को भी नॉकडाउन करेंगे। श्राइडर सामने से थोड़ा बहुत डैमेज जरूर लिया बट यहाँ पे टीम सिनर्जी विल बी गेटिंग दिस विनर विनर चिकन डिनर इन दिस मीरामर मैच।